लाहौर चैंबर इलेक्शन का मार्का, कॉर्पोरेट क्लास की तमाम नशस्तों पर प्या फाउंडर्स का क्लीन स्वीप और प्या फाउंडर्स ने कॉर्पोरेट क्लास की तमाम 7 नशस्तें जीत ली हैं। देखो जी जो मैंने लिख के दिता एनीवे वंस अगेन मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में मैं यही समझूंगा एक से चार के 822 सात यार की होगी एक से सात के 822 और फिर 8 से 14 जो है उनके 302 और स्प्लिट वो 278 and the rejected are 15. So now I'll come to the votes individually casted. Pehle number pe Mohammad Arshad sahab unke 976 votes hain. Uske baad Almas Haider sahab ke hain vote 1023. मिस्टर नवीदुल्ला खान साहब के वोट है 972 और आकिब आसिफ साहब के वोट है 979 मिस्टर खालिद उस्मान साहब के वोट है 941 मिस्टर वकार अहमद 966 और ख्वाजा शहजाद नासर साहब के 962 और आठवें नंबर पे हैं मिस्टर आसिफ खान इनके वोट हैं 427 मिस्टर ताहिर लाहौर चैम्बर की आज आपने हिस्ट्री बनाई है फिर से क्योंकि आपकी जो खिदमात हैं वो लोगों के दिलों में बसती हैं हमारे जो वोटर्स हैं हमारे जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं वो आपके काम से आपको जानते हैं तो मैं मुबारकबाद देता हूं नई टीम जो आने वाली है कि उन्होंने भी अपनी रीत को अपनी मेहनत को जारी रखना है और मैं जनाब अपने सुहेल शारी साहब और इनकी सारी टीम का बहुत मशकूर हूं कि यकीन करें मुझे एक दफ़ा भी मैं एक दफ़ा मैं जी जनाब मुजफ्फर साहब अपना सारे दोस्त जो हैं अंडरस्टूड है ये मियां मुजफ्फर साहब चले चले हूँ मैं गल करा कि ना करा गल भी नहीं करन देते यार ठीक है थोड़े जे दिन रह गए ने मैं तुम्हें नहीं बोलन दिता दरा साहब बात करन दे यार तो बात ये है कि बेसिकली देखे मेरी बात लेट्स बी सीरियस इट्स वेरी सीरियस प्रेस सामने देख रही मकसद बात करने का ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उनके साथी उनका स्टाफ मुझे एक बार भी इनकी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ी ये मैं आपको बता रहा हूँ और आज के जो इंतजाम थे मैं ये समझता हूँ कि दे वर वन ऑफ द बेस्ट एवर टुक प्लेस इन लाहौर चैम्बर और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे जिस तरीके से जिस प्यार मोहब्बत से आज आपने ये इलेक्शन लड़ा है मेरे जो अपोजिशन के लोग भी बैठे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ये भाई मेहनत है ये सालों की मेहनत है जो आपको करनी पड़ती है तो ये लोग चूंकि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सारे मेरी सारी इसी जो है और सारे हमारे सीनियर्स हैं जिस तरीके से इन्होंने ये एक बॉन्ड बने हुए हैं लाहौर चैम्बर के अंदर और प्या फाउंडर अलायंस में ये कहूँगा मेरे पर तनकीद आई कि जी आपने बैठ के अपनी भी मैं उसका उनका सदर हूं तो मैं तो उनकी बात करूंगा तो इसलिए भाई कल भी आप सब ने 8:30 बजे नो डाउट आप सुबह चैम्बर में आए इसी तरह हमारे जो ईसी के मेंबरान हैं जो मैंने आज सारे देखे माशाल्लाह सारे मेहनत करते हुए देखे और सारा स्टाफ और जनाब कमिश्नर साहब इसी तरह इंशाल्लाह कल रात हम यहाँ पे बैठे होंगे और इसी तरह हम सब अपने जो रिजल्ट्स हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे थैंक यू वेरी मच आज बहुत थके हुए हैं दोस्त तो आज जल्दी सोएं प्यार फाउंडर अलायंस
क्या मॉडर्नाइज पाकिस्तान।